Very good. Very good. Good morning, Tarsi. Now, everyone mute yourself. Ma'am is going to revise the concept of big friend, that is 9. On page number 17, we did 9 friend is 1, 8 friend is 2, 7 friend is 3, 6 friend is 4, 5 friend is 5. Done. On page number 18, we did how to add 9 from 1 to 9. 1 to 9 में हमको 9 कैसे प्लस करना है, what is our formula, what was हमारा formula क्या था लास्ट क्लास में, call 10 less 1, तो 9 के लिए तो आज की क्लास में भी हमारा formula सेम होगा, क्या है हमारा formula, call 10 less 1. इसके बाद आपको मैम ने एक सबसे important बात बताई थी, once on right hand, tens on left hand, always keep it in your mind, once on right hand, tens on left hand. अब हम मैम ने 9 का टेबल बताया था आपको, देखो कैसे करना है, आज थोड़ा स्पीड से करेगी मेरे साथ सेकंड क्लास. 9 ones are 9, Ishika you are using wrong hand, do once on right hand, once आपको कौन से हैंड पे करना है, अपने right hand पे. 9 to the 18, मन में बोलते जाना है call 10 less 1 और करते जाना है. 9 3 the 27, 9 4 the 36, 9 5 the 45, 9 6 the, धीरे धीरे कर लो, 9 6 the 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 8 जा 9 9 जा 81, 9 10 जा 90. डन. इसके बाद आपको मैम ने बताया था नंबर एंडिंग एट 5, कोई भी नंबर 5 पे एंड होता है तो हमको कैसे करना होता है 9, 5 में लेस 1 करने का फॉर्मूला क्या था, गो 5 अप 4, अब 35, धीरे से 35, अब 35 में मैम प्लस कर रही है 29. ध्यान से देखेगी सेकंड क्लास, मैम थर्ड क्लास दो क्लास पेजों को एक साथ रिवाइज करा रही है मैम, पेज नंबर 19 और पेज नंबर 21. देखो मैम ने पहले बोला 35, अब 35 में मैम आपको प्लस करा रही है 29. 20 करो पहले, 20 के लिए क्या बोलेंगे हम, 20 के लिए मन में बोलेंगे, मैम तो जोर से बोल रही है, मैम को तो पूरी क्लास को कराना है, आप अपने मन में बोलो 20 के लिए इस एंड पे 20 करना है, कॉल 50 पुल डाउन 30, 20 हो गया. 9 के लिए फॉर्मूला 9 हमें मुझे अपने कौन से राइट हैंड पे करना है, इसमें 9 करने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉल 10 लेस 1, आंसर इज 64. वेरी गुड, 5-6 स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी गुड. इशिका, आयुष मातो एंड सयान गुप्ता ऑन योर कैमरा, ओके वेरी गुड. नाउ इट इज वेरी क्लियर, आपको क्या याद रखना है, वंस ऑन राइट हैंड, टेंस ऑन लेफ्ट हैंड. डन. उसके बाद पहले आपको टेंस का नंबर करना है, फिर आपको वंस का नंबर करना है. अक्टूबर से हम लोग स्पीड बनाएंगे, पहले अपनी एक्यूरेसी को फोकस करो. थर्ड क्लास हमारा आंसर शुड बी राइट, जल्दी में हमने गलत कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी मैथ्स में, ओके मैथ्स में तो सब जीरो मिल जाता है, तो आंसर शुड बी राइट. उसके बाद अक्टूबर के बाद हम चलेंगे अपनी स्पीड पे, ओके बेटा. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, मैम ने बोला आपको 45, अब 45 में मैम ने आपको बोला है प्लस करो 49, तो पहले 40 करेंगे. देखो मैम ने पहले 40 फिर 5 किया, अब मैं 40 करूंगी अपने लेफ्ट हैंड पे, 40 के लिए क्या बोलूंगी, कॉल 50 पुल डाउन 10, 40, अब 9 के लिए कॉल 10 लेस 1,
My answer is 94. Is it clear? I think the concept is clear to all of you. Now, I have given the homework. Or that is first homework was on page number 20. I want to take the doubt of page number 20. Is there any doubt on page number 20? No, ma'am. Okay. All questions are very simple. आपको ऐसे बोलना है डन मैम नो वन विल अनम्यूट. मैम ने आपको बताया था ना, देखो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैम अभी अपलोड कर देंगी. डन मैम, वेरी गुड. थर्ड सी. अब आता है हमारा पेज नंबर 21. पेज नंबर 21 पे मैंने बच्चों को बताया था जो लास्ट क्वेश्चन है 59 + 23, बताया था ना आपको, दिख रहा है ना सबसे लास्ट में 59 + 23. इस पे ना सब बच्चे एक स्टार बना दो, देखो मैम की तरह, क्योंकि इसको मैम अभी आपको बार बार एक्सप्लेन करेंगी. आपको बेटा थर्ड सी मेक द डिसिप्लिन. नो वन विल अनम्यूट. रेज योर हैंड, मैम विल गिव द चांस टू स्पीक. थर्ड सी, जो पेज नंबर 21 पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना 59 + 23, आप उस पर एक सर्कल बना लो. मैम अभी वो क्वेश्चन दो बार और एक्सप्लेन करेंगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. पर अब सबको प्लस करना आ गया ना, हमें प्लस करना है 49. तो पहले करो 40, फिर कर दो 9. मुझे प्लस करना है 29. 20 और 9 के लिए कॉल 10 + 1. आपको अपना हैंड याद रखना है. थर्ड सी, अब आई एम टेकिंग द डाउट ऑफ पेज नंबर 22. पेज नंबर 22 पे आप देखोगे बेटा फर्स्ट और सेकंड लाइन बाय मिस्टेक सेम है ना, तो राइट द सेम आंसर. और एक थर्ड लाइन बिल्कुल अलग है. ओके, तो फर्स्ट आई एम टेकिंग द डाउट ऑफ पेज नंबर 22 ऑन टॉप लाइन. इज देयर एनी डाउट? When anyone is speaking, ma'am has taken the name of one student. No one will unmute. Okay, Vani Soni, आप बोलो सबसे पहले अपना doubt. First, Vani Soni will speak. Okay, बेटा. और all of you have to do. Yes, Vani. नहीं है. Ma'am, वो मेरे से गलती से दब गया था. Okay, Vani, no problem, बेटा. Is there any Anya Jain? मैंने आपको आन्या बताया था ना, मार्क ऑन दैट क्वेश्चन. आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन. देयर इज वन न्यू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, आई विल एक्सप्लेन इन लेटर ऑन. मैंने क्वेश्चन मार्क कर लिया है. ओके, नेक्स्ट, इज देयर एनी डाउट ऑन पेज नंबर 22? नो, वेरी गुड. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द पेज नंबर 23. आज का आपका वर्क कौन सा है? पेज नंबर 23. राइट द डेट ऑन पेज नंबर 23, 24, 25, 26. थर्ड सी, राइट द डेट ऑन पेज नंबर 23, 24, 25 एंड 26. नाउ लिसन केयरफुली. नाउ आवर फॉर्मूला इज 8 के लिए कॉल 10 + 2. अब क्या करना है? कॉल 10 + 2. तो आप सबसे पहले देखोगे मैम ने आपको क्या दिखाया है, बीट में 3 बन रहा है पेज नंबर 23 पे. 3 मींस आपको कौन सा एंड यूज करना है? राइट एंड. प्लस 8 के लिए आप करो कॉल 10 + 2. 8 का फॉर्मूला बोलेंगे कॉल 10 + 2. राइट 11 इन बॉक्स. फास्ट थर्ड सी, राइट 11 इन बॉक्स. और देखो इसके नीचे मैम बीट ऊपर बन गई. ऊपर का मतलब 5 होता है, अब तो सबको आता है 5 में 8 कैसे करेंगे हम? कॉल 10 + 2. लेस 2 के लिए गो 5 + 3. आंसर इज
13. ओके बेटा, नाउ राइट द होमवर्क. पेज नंबर 23 की लास्ट लाइन पे आप होमवर्क लिख लो, आपको आ जाएगा. 8 का फॉर्मूला मैम ने क्या बताया आपको? कॉल 10 लेस 2. पेज नंबर 24 पे भी होमवर्क लिखेंगे. पेज नंबर 20 मैम आपको ना पेज नंबर 25 एक्सप्लेन करेंगी. राइट होमवर्क ऑन पेज नंबर 24. बेटा आई विल टेक डाउट इन लास्ट. चेतन चेतन वेट. पेज नंबर 23 की लाइन पे आपने होमवर्क लिखा. राइट द होमवर्क ऑन द टॉप ऑफ पेज नंबर 24. अब मैम आपको करा रही है पेज नंबर 25. पेज नंबर 25 में मैं आपको 8 का टेबल सिखाती हूँ. सब बच्चे मेरे साथ बनाएंगे. ओके, 8 वन ज़ा 8. सबको म्यूट अनम्यूट नहीं करना है, अपने अपने घर पर जोर से बोलो 8 वन ज़ा 8. 8 टू ज़ा, मन में बोला मैम ने कॉल 10 लेस 2. 8 टू ज़ा 16. सब बच्चों को कैसे बोलना है? बिल्कुल मन में, अपने अपने मन में बोलना है. 8 टू ज़ा, क्या बोलना है आपको? 16. अब 8 थ्री ज़ा, थ्री ज़ा के लिए मैं क्या करूंगी? कॉल 10 लेस 2. 8 थ्री ज़ा 24. अगेन जूम. 8 वन ज़ा 8. 8 टू ज़ा 16. 8 थ्री ज़ा, कॉल 10 लेस 2. ऐसे देखो अपने एंड को, कॉल 10 लेस 2. 8 थ्री ज़ा 24. 8 फोर ज़ा 32. 8 फाइव ज़ा 40. 8 सिक्स ज़ा 48. 8 सिक्स ज़ा 48. 8 सेवन ज़ा के लिए करो देखो कॉल 10 मैम. देखो धीरे से करेंगे अपने लेफ्ट हैंड पे, कॉल 10 लेस 2. 8 सेवन ज़ा 56. 8 एट ज़ा कॉल 10 लेस 2. देखो मैम अपने राइट हैंड पे लेस 2 कैसे कर रही हैं. 8 एट ज़ा 64. 8 नाइन ज़ा 72. 8 टेन ज़ा 80. फिनिश. मैम ने आपको 9 के टेबल में कितना टाइम लगाया था ना, मैम ने आपको बताया था ना, यदि आपको एक टेबल आ जाएगा तो आपको सारे टेबल आ जाएंगे. इज इट क्लियर? एक बार दोबारा कर ले 8 का टेबल बेटा. 8 का टेबल एक बार दोबारा करते हैं. 8 वन ज़ा 8. ऑल ऑफ यू डू. सानवी दोनों एंड को पास में रखो, इशिका थोड़ा पीछे होके बैठो. यस सानवी. 8 वन ज़ा 8. 8 टू ज़ा 16. अपने अपने मन में बोलते जाओ कॉल 10. 8 थ्री ज़ा कॉल 10. पहले मैम ने कॉल 10 किया लेस 2. 8 थ्री ज़ा 24. 8 फोर ज़ा 32. 8 फाइव ज़ा 40. 8 सिक्स ज़ा 48. बहुत सिंपल है. 8 सिक्स ज़ा 48. 8 सेवन ज़ा के लिए देखो पहले मैम कर रही है कॉल 10 धीरे से क्या, कॉल 10 लेस 2. 8 सेवन ज़ा 56. 8 एट ज़ा कॉल 10 लेस 2. लेस 2 देख लो मैम के राइट हैंड पे. 8 एट ज़ा 64. 8 नाइन ज़ा 72. 8 टेन ज़ा 80. ओके थर्ड सी, हमने आज किया 8 का टेबल. देखो बेटा पेज नंबर 23 होमवर्क है. मैम ने पेज नंबर 24 आपको होमवर्क दिया है. अब इसके बाद हम कर रहे हैं बेटा पेज नंबर 25. अब पेज नंबर 25 में देखो सबको आ गया ना कोई भी क्वेश्चन, अब आप इजीली कर सकते हो. स्टार्ट जहाँ लिखा है 8 प्लस 8, वहाँ आपको 16 लिखना है. ठीक है, आफ्टर दैट आई विल टेक द डाउट ऑफ पेज नंबर 26. नाउ इन माई क्लास ऑल ऑफ यू स्टार्ट पेज नंबर 26. मैम विल टेक अटेंडेंस एंड विल टेक द डाउट ऑफ पेज नंबर 26.
26 पर आप आज की डेट लिखकर लिखोगे सी डब्ल्यू क्लास वर्क। आप मेरे सामने पेज नंबर 26 कीजिए। वन बाई वन आई एम टेकिंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट, आई एम टेकिंग द डाउट। चेतन प्लीज म्यूट, मैम अभी आपका नाम लेंगी, देन यू विल स्पीक। ओके थर्ड सी, नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आज की क्लास हमारी कौन सी हुई बेटा? पेज नंबर 23, 24, 25, तीनों आपको होमवर्क में करने हैं। अब क्लास पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 आपको क्लास में करना है। मैम विल टेक योर डाउट। ओके थर्ड सी, नाउ यू रेज योर हैंड हु हैव डाउट।